अस्सलाम स्टूडेंट, हम डिस्कशन कर रहे थे लीनियर इनक्वायरिटीज़ के इंट्रोडक्शन पे, और उसमें हमने कहा था कि जो ऑर्डर है या जो साइन ऑफ इनक्वायरिटी वो चेंज कब होता है। तो उसमें हमने दो पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। एक पॉइंट हमारे पास रहता है, अच्छा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इनक्वायरिटी का साइन चेंज कब होगा। ठीक है, तो मैं पॉइंट जो है वो दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। पॉइंट हमारे पास ये होगा कि ऑर्डर आर सेंस ऑफ इनक्वायरिटी, ऑर्डर आर सेंस ऑफ एन इनइक्वालिटी ऑफ एन इनइक्वालिटी इज चेंज्ड बाय इज चेंज्ड बाय मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग इट्स ईच साइड बाय अ नेगेटिव कॉन्स्टेंट बाय अ नेगेटिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्डर या सेंस जो है इनइक्वालिटी की वो चेंज कब होगी। वो चेंज स्टूडेंट तब होगी कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को नेगेटिव साइन के साथ या नेगेटिव कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक इनइक्वालिटी है 2x + 3y < 2। ठीक हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2। ठीक हो गया, -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 3y, मैं एक दफे इसको लिख देता हूँ दोबारा, ये -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये साइन जो है ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बल्कि चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे -2। ठीक है, अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4x - 6y, और ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने याद ये रखना है स्टूडेंट कि कौन सा साइन किस में चेंज होगा। तो अगर साइन मेरे पास लेट से ये है तो वो इसमें चेंज होगा, और अगर ये वाला साइन होगा तो वो इसमें चेंज होगा। ठीक है, ये एक दूसरे का रिवर्स होंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर साइन ये वाला होगा लेट से > r = 2, ठीक है, तो ये चेंज होगा less than r = 2 में, और अगर < r = 2 का साइन होगा तो वो इसमें चेंज होगा। ठीक है, तो ये आपने चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो ये जो साइन होगा ये चेंज होगा, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें, और बाकी भी इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है, लेट से मैं बात करता हूँ सोल्यूशन की ना, ये मेरे पास 2x + 3y < मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लेट से मैं 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, हर वो वैल्यूज कि जिसको मैं एक्स और वाई की जगह पुट करूं और पुट करने के बाद आंसर जो है वो 1 से लेस आ जाए। लेट्स से मैं एक्स की जगह पुट कर देता हूं, एक्स की जगह मैं 0 पुट कर देता हूं +3, वाई की जगह मैं 0 पुट कर देता हूं, चेक करता हूं आंसर किसकी को लाता है। तो ये देखें आंसर जो है वो 0 से लेस आएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर क्या है, x0 और y0, वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, उसके क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से और मैं पॉइंट पुट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर ना 2x की जगह लेट से मैं -1 पुट कर देता हूँ, +3 y की जगह 0 पुट कर देता हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये हमारे पास आएगा -2 < 1, तो इसका मतलब क्या, ये बात जो है ये भी ट्रू है, बात ट्रू है ना,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पुट किया हुआ है -1 और 0, वो भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज कि जिनको ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा, वो सारे के सारे उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इससे हम एक बात कंक्लूड करेंगे, वी कंक्लूड दैट द सॉल्यूशन सेट, वी कंक्लूड दैट द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इनइक्वालिटी, द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इनइक्वालिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस कंसिस्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी। मतलब ये हुआ कि ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर मैं इनइक्वालिटी में पुट करूं और उस पे जो रिलेशन है इनइक्वालिटी है वो ट्रू हो जाए, तो वो सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर है वो क्या होगा, वो उस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा। ठीक है, वो उसमें क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हम अब आ जाते हैं कि किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफ किस तरह से करेंगे, और उसमें हमारे पास पहला जो टॉपिक है वो है ग्राफिंग अ लीनियर, ग्राफिंग ऑफ अ, कि हमारे पास अगर कोई लीनियर इनइक्वालिटी हो टू वेरिएबल में तो उसको किस तरह से जो है ग्राफ किया जा सकता है। हम इसके इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी जो है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल और लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ मैं उसकी जनरल फॉर्म लिखता हूँ। ठीक है, कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी जो है उस वो किस तरह से होती है। तो हमारे पास उसकी ये वाली फॉर्म्स होती हैं। लेट से एक होगी ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ये उसकी एक फॉर्म होगी। ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ये उसकी दूसरी फॉर्म होगी। ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन आर इक्वल्स टू सी, और यहाँ से आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू सी। तो ये जो हमारे पास होगी ना, ये जो चार फॉर्म्स है ये लीनियर इनक्वालिटीज इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक यही से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।